नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि अपडेट मिस ना हो सके। तो दोस्तों अभी बोल रहा हूँ, बाय कर लो इस पेनी स्टॉक को, बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय नाउ फॉर 2022। मात्र 2 रुपए का पेनी स्टॉक है और 1 रुपए 30 पैसे जब ट्रेड किया करता था तो आपको सजेस्ट किया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, ऑलमोस्ट जनवरी के आसपास, ठीक है। और अभी भी कह रहा हूँ बाय कर लो, लेकिन एक बात को ध्यान रख लेना, इस स्टॉक का CIRP मतलब कंपनी के एसेट्स बेच के इसका जो लोन होता है उसको चुकाया जाता है वो चल रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी प्लीज एक बार अपने ध्यान में रख लेना और उसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना, इतना पैसा लगाना जितना खोने के लिए रेडी हो, क्योंकि ये स्टॉक आई नो बहुत सारे जो स्टॉक्स होते हैं पेनी स्टॉक्स जो CIRP प्रोसेस चलता है तो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेनी स्टॉक भाई बड़ी कंपनीज बन जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। लेके चलता स्टॉक के नाम की तरफ, अभी आप क्या कर सकते हो और साथ में जानने का प्रयास करते, ये स्टॉक पर्सनली मेरा फेवरेट क्यों बन चुका है। सिर्फ एक रीजन है, वो रीजन मैं आपको मेरी जो प्राइवेट क्लास है संडे को रिवील करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ चेकआउट करो। इंस्टाग्राम पे वी आर स्टॉक्स करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ चेकआउट करो, वहाँ मैसेज करो, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है यहाँ पर चेकआउट करो, मैसेज करो कि आपको क्लास के लिंक चाहिए। लेकिन भाई शेयर करने के बाद करना, वीडियो जो भी आप देखते हो उसको शेयर करो फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से, तब मुझे मैसेज करना, अदरवाइज प्लीज मत करना, राइट। तो यार दोस्तों आप देख सकते हो जिस पेनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स, मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट नहीं बताने आ रहा हूँ यहाँ पर, पॉजिटिव नहीं बताऊंगा नेगेटिव बताऊंगा, क्योंकि पेनी स्टॉक है बिलो 5 रुपी, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो रिटेल इन्वेस्टर वो ले सकता है, रिस्क ले सकता है, वही इन्वेस्टमेंट करे, अदरवाइज मत करे, ठीक है। प्लेज होल्डिंग देखो 83% है, मतलब सभी की सभी डाउन, बुक वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ देख सकते हो कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है क्योंकि कंपनी का CIRP प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। नीचे लेके चलता हूँ, देखो कंपनी की सेल्स ठीक ठाक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन यहाँ पर आपको लॉस मिल रहा है बार बार। बात करते हैं ईयरली परफॉर्मेंस, देखो लगातार लॉस मिल रहा है, सेल्स ठीक ठाक है। बाकी बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो रिजर्व नेगेटिव है, डेट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% के आसपास का डेट दे चुका है, मतलब 5,000 करोड़ का डेट कंपनी पे कर चुकी है। बात करते हैं कैश फ्लो की, तो कंपनी का देखो यहाँ पर आपको 199 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो दिखेगा। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ तो प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टॉक की 61% के आसपास है। वही बात करता हूँ पब्लिक की होल्डिंग, तो देखो 35% के आसपास है। डीआई की होल्डिंग छोटी मोटी है 3% के आसपास। तो देखो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस मुझे कह रही है 10 में से मात्र 5 पॉइंट बहुत है स्टॉक के लिए, बस क्योंकि कंपनी डेट रिड्यूस करी क्योंकि CIRP प्रोसेस इज रनिंग, राइट। आप देख सकते हो येरा CIRP प्रोसेस, ठीक है, कॉर्पोरेट इंसोलेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो फुल डिटेल चाहिए इसके ऊपर तो इसको क्लिक कर लेना, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसका चार्ट पैटर्न के बारे में, और वो शेयर करने से पहले एक बार चेकआउट करो कंपनी के करंट डिलीवरी परसेंटेज की, कितने लोग स्टॉक को लगातार घर लेके जा रहे हैं। एनएससी की बात करते हैं, क्योंकि एनएससी में सबसे ज्यादा माल उठाया जाता है, यहाँ टेक्निकल ग्लिच के कारण आपको नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आप देख सकते हो 30 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई थी और उसमें से 22 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए। 76% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिल जाता है इस छोटे से पैनी स्टॉक में। तो आप बोल सकते हो ये बेस्ट पैनी स्टॉक टू बाय नाउ बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, क्यों देखो आपको दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न। देखो यहाँ स्टॉक का मैंने चार्ट पैटर्न खोला हुआ है, डेली चार्ट में हम बात करते हैं पहले, एंड आप क्लियरली देख सकते हो स्टॉक लगातार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और लगातार हाई राइज के पैटर्न बना रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो हाई राइज के पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि स्टॉक एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि स्टॉक एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, दोबारा से ऊपर जा रहा है, यही आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने की 2 रुपए 30 पैसे 2 रुपए के आसपास, और डेफिनेटली स्टॉक आपको बहुत बड़ा टारगेट दिखा सकता है। स्टॉप लॉस अप्लाई कर सकते हो, करना चाहते हो 1 रुपए 70 पैसे का, 1 रुपए 70 पैसे का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है, और बाकी जो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रहेगा वो है, देख लो एक बार, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो है 1 रुपए 30 पैसे के नीचे, मतलब जब स्टॉक फर्स्ट टाइम मैंने आपको रिकमेंड किया था यही आपका लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो 1 रुपए 30 पैसे का आपको लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस अप्लाई करना है इस पैनी स्टॉक में, ठीक है, 1 रुपए 30 पैसे का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस अप्लाई करना है इस स्टॉक में। क्या स्टॉक में पैसे लगाऊंगा, डेफिनेटली पैसे लगाने वाला हूँ भाई, लेकिन हम बड़ा पैसा नहीं लगाऊंगा, मात्र 1,000 रुपए 2,000 रुपए 3,000 रुपए 5,000 रुपए से नीचे लगाने वाला हूँ मैं,
देखिए बड़ा अमाउंट में शायद नहीं लगाऊं, हाँ 3,000 से लेके 1,000 के बीच में, या फिर मैं क्या करूंगा, मैंने सोचा है मेरे पास ना ऐसे जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वो एक सेटअप के बेसिस पे, ठीक है, वो आपको बहुत जल्द रिवील करूंगा। तो मैं ऐसे मैंने 5 स्टॉक्स निकाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि सभी 5 स्टॉक्स में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ दूँ। तो अगर आपको चाहिए पोर्टफोलियो अंडर 5,000 रुपीज इन इन पेनी स्टॉक्स, तो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो नीचे कॉमेंट करके, मैं डेफिनेटली बना दूंगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है स्टॉक, मैं डेफिनेटली लगाने वाला हूँ भाई। 1,000 रुपये तो पक्का लगाऊंगा, बड़ा अमाउंट शायद ना लगाऊं, लेकिन 1,000-2,000 रुपये लगाने में क्या जाता है, ज्यादा लॉस होगा लेकिन लॉस तो नहीं होगा, तब बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपनी रिसर्च खुद की ऐड कर लेना, ये मेरा पर्सनल व्यू है भाई, प्लीज 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 खुद की रिसर्च एक बार ऐड कर लेना, थैंक यू।